अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूजी का मिल्क केक बना रहे हैं, बहुत डिलीशियस, बहुत सिंपल स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, मैंने 150 ग्राम मैंने घी लिया है, देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए हमारा देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 200 ग्राम सूजी ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें, और वीडियो को एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वॉच किया करें। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, बहुत तेज करेंगे तो फिर सूजी जल जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। पहचान होगी तो खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। दूसरी बात ये कि ये घी अलग छोड़ देगी। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया। अब हमने चूल्हा जो है बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने 150 ग्राम खुश्क दूध ऐड किया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रह जाए। फ्लेम में बंद कर चुकी हूँ, बस सिर्फ इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसको हम निकाल लेंगे अलग से। अब हम इसके अंदर 150 ग्राम पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन, और 300 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। बहुत सिंपल है और बड़े इजी तरीके से बता रही हूँ। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और बड़ा टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत मज़े का लगता है। अच्छे से घुल जाए इसकी। देखिए हमारी चाशनी हमारी तैयार हो गई है और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और हम जल्दी जल्दी इसको इस तरह से मैश कर लें ताकि जो इसमें गुठलियां या लम्स हो वो मिक्स हो जाए। बहुत सिंपल बनता है, बड़ी आसानी से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप कोई मेहमान आए या वैसे आप बना के रख लें, घर में बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं इसको। फ्लेम अभी मैंने हाई रखी हुई, देखिए हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ताकि थोड़ा कलर आ जाएगा इसमें। देखिए हो गया। अब हम इसको एक बाउल में मैंने इसमें से ग्रीस कर लिया था, अब हम इसको इसके अंदर डाल के और अच्छे से इसको हम तकरीबन 4-5 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 4 से 5 घंटे इसको लगते हैं, ज़्यादा भी लग जाए। अगर आपने सुबह खाना दूसरे दिन एक दिन पहले बना के रख लें। देखिए हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसको आप वैसे खा लें, बच्चे खा लें, लेकिन जो है इसको इस तरह से देखें कितने जबरदस्त से हमारे पीस आए। इसको हमने पिस्ते से इसको गार्निश किया है, बहुत मजे के बनते हैं। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वॉच किया करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। इंस्टाग्राम, टिकटॉक को भी फॉलो करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।